हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी। और आपको पता ही है जो विजुअल एड सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है, जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहे और चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम करेंगे दिसंबर महीने के 2015 का पेपर टू। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इज इन विच ईयर। किस साल में पहला एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में? तो ये हुआ था 1704 में बोस्टन न्यूज़लेटर के अंदर। ठीक है, बोस्टन न्यूज़लेटर के अंदर हुआ था और जो एडवर्टाइजमेंट थी वो रियल इस्टेट से रिलेटेड थी। वहाँ पे इनवाइट किया गया था कि आप प्रॉपर्टी बायर्स को इन्वाइट किया गया था टू परचेज प्रॉपर्टी। ठीक है, बोस्टन, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता पूरी, बोस्टन न्यूज़लेटर, न्यूज़ ये हो गया, लेटर ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फॉर द विस्कोसिटी प्रोसेस ब्लॉक इज नीडेड। विस्कोसिटी प्रोसेस के लिए हमें कौन सा ब्लॉक या प्लेट चाहिए होती है? तो हमें चाहिए होती है मेटल की प्लेट। ठीक है, मेटल की प्लेट, जिंक, कॉपर और कोई सा भी मेटल हो सकता है। और विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए आपको पता होगा, ये विस्कोसिटी प्रिंटिंग 1950 में पेरिस के अंदर इन्वेंट हुई थी। पेरिस में भी जो ग्रुप था इन्वेंट करने वाला वो था एटलियर 70। और इस एटलियर 70 का जो मुखिया था, जो हेड था, जो लीड कर रहा था, वो था हाइटर। ठीक है, हाइटर। और इसके अंदर हमारे कृष्णा रेड्डी भी थे, जो बाद में इंडिया के अंदर लेके आए थे इसी विस्कोसिटी को। तो ये थोड़ी सी विस्कोसिटी की हिस्ट्री थी। अब विस्कोसिटी का हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे क्या हो जाता है। तो पहले तो हम बात करते हैं, विस्कोसिटी होती है मल्टी इंक कलर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, जिसमें मल्टी कलर यूज़ किए जाते हैं और सिंगल प्लेट पे यूज़ किए जाते हैं। और इसमें पहले तो हम मेटल प्लेट यूज़ करते हैं, मेटल प्लेट तय करते हैं कि कौन सी हमें प्रिंट के लिए यूज़ करनी है। तो मेटल प्लेट चूज करने के बाद हम उस पर अपने डिज़ाइन और इमेज के अनुसार एचिंग और लाइन टेक्सचर क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उस पर ना हम इंक विंक लगा कर, चार तरीके की इंक होती है, यानी पहले हल्के हाथ से, फिर थोड़ा सा हार्ड हाथ से, फिर मीडियम, ऐसे ऐसे प्रेशर दे के इंक डाली जाती है। और जो ऊपरी सरफेस होता है प्लेट का, उसको उस पर से इंक वाइप ऑफ कर ली जाती है, हटा ली जाती है। और जो कपड़ा यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर टार्लटन वाला कपड़ा यूज़ किया जाता है, टार्लटन वाला कपड़ा यूज होता है। फिर इसके बाद हमारी वाइप ऑफ हो जाती है इंक, जो सनकन एरिया में होती है ना, जो अंदर वाली एरिया में इंक स्टोर हो जाती है, जो ठीक है सनकन एरिया में हो जाती है, तो उस एरिया से हम डंप पेपर पर प्लेट रख कर उस पर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर भी होता है 7 टन का। ठीक है, और जो रोलर वाली मशीन होती है उस पर, यानी अपनी प्लेट डालते हैं और फिर उस तरफ जब जाती है वो प्रेशर से हमारे डंप पेपर पे प्लेट से इंक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इंटाग्लियो का भी सेम ऐसे प्रोसेस है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ईयर 1556 AD इज रिमार्केबल फॉर इंडिया, वाई? देखिए 1556 AD ना भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय क्या हुआ था, प्रिंट मेकिंग आई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो गोवा के अंदर आई थी बेसिकली। और यहाँ पर जो जिस्यूट वाला कॉलेज था, जिस्यूट सेंट पॉल, ठीक है, ये इस वाले कॉलेज में आया था और मशीनरी लगाई थी और अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सोमनाथ होरे वाज फेमस। देखिए सोमनाथ होरे फेमस आर्ट एक्टिविस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे और फेमस प्रिंट मेकर भी थे। आर्ट एक्टिविस्ट में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से एक्टिवली जो मिले जुले हुए थे, यानी उनके लिए काम करते थे, जैसे मैगजीन वगैरह डिज़ाइन करना।
और आर्टिस्ट थे, कई सारी पेंटिंग्स बनाई, और प्रिंट मेकर थे, तो प्रिंट सीरीज भी काफी बनाई, जैसे आप वुंड वाली सीरीज को देख सकते हो जिसे पेपर पल्प का यूज किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द फेमस कंसेप्चुअल आर्टिस्ट इज, फेमस कंसेप्चुअल आर्टिस्ट कौन है? जोसेफ बियोस। जोसेफ बियोस की स्पेलिंग ये वाली है, ध्यान रखना, यहाँ पे ई लगाना भूल गई है। और जोसेफ बियोस एक कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका मेरे को सबसे अच्छा काम लगा फैटे से। फैटेक में क्या करते हैं ये? एक फैट कॉर्नर बनाते हैं, ठीक है, फैट कॉर्नर। फैट कॉर्नर में क्या होता है, 5 kg बटर लाते हैं और रूम्स के यानी कॉर्नर वगैरह में ऐसा पुट करते हैं, और इसके पीछे जो मैसेज है बड़ा प्यारा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इसके कॉन्सेप्चुअल आर्ट को अच्छे से देखो, ठीक है। इन्होंने फैटेक के फैट कॉर्नर और एक रैबिट था उस डेड हो गया था उसमें प्ले किया है, और बहुत सारे यानी कॉन्सेप्चुअल वर्क किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, हु वॉज द ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश वाटर कलर, किसको फादर ऑफ इंग्लिश वाटर कलर कहा जाता है? तो ये है हमारे इंग्लिश वाटर कलर, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, पॉल स्टेनबाय। बेसिकली इनमें यानी क्रेडिट तो 3 लोगों को दिया जाता है, एक तो थॉमस ग्रीटिन को, जोसेफ मलार को, ठीक है। क्रेडिट तो इन तीनों को दिया जाता है वाटर कलर का, बट फादर ऑफ द इंग्लिश वाटर कलर इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो अगली बार कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो थॉमस ग्रीटिन भी याद रखना और जोसेफ मलार्ड को भी। सातवां क्वेश्चन है, हु रोट इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया, ये वाली बुक लिखी है बर्डवुड ने, ठीक है। और बर्डवुड का यहाँ पे जॉर्ज बर्डवुड होगा, ठीक है, ये गलत लिख दिया ऑप्शन में। और ई बी हेवल की बुक तो आपको पता ही होगा, जैसे हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट हो गई और हिमालयंस आर्ट हो गई। आठवां क्वेश्चन है, बोल्ड द कंट्रास्ट डैजलिंग कलर स्कीम इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ, जो बोल्ड और कंट्रास्ट डैजलिंग कलर स्कीम और करेक्टर में कुछ इतना स्पेशलाइजेशन किस हमें ट्रेडिशन में दिखने को मिलता है। तो जैसे कि आप सभी को, जैसे राजस्थान वगैरह में आपने देखा होगा जो उसकी पेंटिंग स्टाइल था, तो उसमें काफी बोल्डनेस था, ठीक है। कलर स्कीम तो यानी आपको देखा होगा, थोड़े से कंटेम्परेरी कलर यूज किए, कॉम्प्लीमेंट्री यूज किए, जिससे वो आउटपुट काफी अच्छा निकल के आता है। नौवां क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय बाबर इज लोकेटेड, पहली मस्जिद बाबर द्वारा कहाँ पे बनाई गई? तो ये बनाई गई थी पानीपत में, और पानीपत में ये थी काबुली बाग वाली मस्जिद, काबुली बाग। और इस मस्जिद का नाम इसने यानी अपनी बेगम के ऊपर रखा था, जिसका नाम था बेगम काबुली, और ये मस्जिद बनी थी 1527 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्किटेक्चर फर्स्ट टाइम आर्क इंटरेस्ट अपियर एट, जो आर्क था, जो ऐसे होता है ना घोड़े की नाल जैसा शेप, ठीक है, तो वो हमें कहाँ पर एंट्रेंस यानी किसके एंट्रेंस पे हमें देखने को मिलती है? तो ये बनी है लोमेश ऋषि गुफा में। लोमेश ऋषि गुफा है हमारी मौर्य काल की, जो अशोक के समय की है, तो ये तीसरी ईसा पूर्व की मानी जाती है, और तीसरी ईसा पूर्व मतलब 3rd century BC, ठीक है। ग्यारहवा क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज एक्सपोनेंट ऑफ फॉर्मलिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए जो यानी फॉर्मलिज्म की जो आर्ट थ्योरी थी ना, वो दी थी रोजर फ्राई ने, ठीक है। रोजर फ्राई के साथ थे एक क्लाइव बेल, बट रोजर फ्राई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेंटर भी थे और इन्होंने ये थ्योरी भी दी, और ये 1914 में दी थी इन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। बारहवा क्वेश्चन है, हु ड्रिल द धमेक स्तूपा एट सारनाथ फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ऑफ कासेट, जो सारनाथ में बना था यानी मिला था धमेक स्तूप, तो वो किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खुदाई की गई? तो ये थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खुदाई की गई थी
इसकी, ठीक है, और इसने खोज के अच्छे से निकाला था और बताया था दुनिया को। 13वां क्वेश्चन है, नेम द डिजाइनर ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी का जो सिंबल है उसका डिजाइनर कौन था, तो वो था डी उदय कुमार। ये IIT में प्रोफेसर हैं और 2010 में इन्होंने ये लोगो डिजाइन किया था, जिनके ऊपर इनको कई सारा पैसा भी मिला, फेम भी मिला, और दुनिया ने इनके बारे में जाना कि कितनी सिंपल इनकी लाइफ है, और ये टीचिंग करते हैं ऑलरेडी IIT में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, नेम द टीचर हु टॉट एट सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई। जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में यानी कौन से टीचर थे पढ़ाने वाले, जिन्होंने पढ़ाया, तो ये है एच जी हैनमेंटा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, नेम द डेली विच हैज इनिशिएटेड द टीच इंडिया कैंपेन। जिन्होंने टीच इंडिया कैंपेन का यानी कैंपेन चलाया, तो ये है टीच इंडिया कैंपेन चलाने वाला न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। 16वां क्वेश्चन है, नेम द वन हु डज नॉट सेल और रीसेल अ प्रोडक्ट। देखिए, डीलर सेल करता है प्रोडक्ट को, रिटेलर सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है, बट जो कंज्यूमर है वो परचेज करता है, वो बाय करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट स्कल्प्टर। इनमें से कौन सा स्कल्प्टर नहीं है, तो आपको पता होगा कि गिरीश भट्ट एक स्कल्प्टर है, बलबीर सिंह कट ये भी स्कल्प्टर है, और P.R. Dharoz ये भी स्कल्प्टर है, बट अंजना रेड्डी स्कल्प्टर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, चौथा अंजना रेड्डी। 18वां क्वेश्चन है, विच मटेरियल गिव्स स्ट्रेंथ टू क्ले। क्ले को मजबूती कौन प्रदान करता है, तो मजबूती प्रदान करता है ग्रॉग। ग्रॉग क्ले को मजबूती प्रदान करता है, और जो सैंड है वो टेक्सचर प्रदान करता है हमारी क्ले को, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, हिम्मत शाह स्टडीड एट। जो हिम्मत शाह है वो कहाँ पर पढ़े थे, तो ये इन्होंने स्टडी करी थी हमारी MS यूनिवर्सिटी में। और हिम्मत शाह का, जैसे आपको पता ही होगा, 1933 में लोथल में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, लोथल गुजरात, ठीक है, जो एक हड़प्पा का यानी बंदरगाह था, ठीक है, लोथल में इनका जन्म हुआ 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, डांसिंग गर्ल फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो से प्राप्त, मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में, तो ये ब्रोंज से बनी हुई है, ठीक है। जबी तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको हम ब्रोंज एज से जाना जाता है, ठीक है, और ये ब्रोंज के अलॉय से बनी है, यानी ब्रास से बनी है, जिसमें कॉपर, टीन और जिंक का भी यूज़ किया जाता था, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, अरेंज द आर्टिस्ट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। समय के अनुसार हमें आर्टिस्टों को लगाना है कि किसका जन्म सबसे पहले हुआ और बाद में किसका हुआ। तो सबसे पहले आएगा अब्दुल रहमान चुगताई, जिसका जन्म 1897 में हुआ, और ये लाहौर में हुआ इनका जन्म, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान। फिर आते हैं हमारे चित्तो प्रसाद, जो 1915 कोलकाता में हुए थे ये। सोमनाथ होरे, बांग्लादेश का जन्म है इनका, और बांग्लादेश में हुए थे 1921 में। फिर आते के जे सुब्रमण्यम स्वामी, के जे सुब्रमण्यम स्वामी का 1924 में जन्म हुआ केरल के अंदर, केरला में, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेट भी बता दी, अब्दुल रहमान चुगताई 1897 में, चित्ता प्रसाद 1915, सोमनाथ होरे बांग्लादेश 1921, के जी सुब्रमण्यम 1924 कोलकाता। 22वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल इज करेक्ट। किस मटेरियल को हम सही कह सकते हैं, देखिए, एक्सपोजिंग टेबल, जेलेटिन, स्क्रैपर, स्क्वीज। स्क्रैपर आते ही यहाँ पे हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रोसेस नहीं रहता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। स्क्रीन प्रिंटिंग के यानी मटेरियल को यहाँ पे स्क्रैपर ने खराब कर दिया। दूसरी बात करते हैं, एक्वाटिन डस्ट बॉक्स, बर्निश, स्क्रैपर, मेटल नीडल। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये हमें सही लग रहा है, क्योंकि इसमें एकदम सही सीक्वेंस बताया गया है, किसका, एक इंटाग्लियो प्रोसेस का, ठीक है, एक एक्वाटिन प्रोसेस का, ठीक है, तो ये हमारा सही है। और बाकी ऑप्शन देखते हैं, जैसे रिवर्स एंड गम अरेबिक टू शेप PVA, तो ये लिथोग्राफी में यूज होता है, बट ये PVA ने यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिया, एक्वाटिन डस्ट बॉक्स फिर PVA आ गया, तो ये गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर है दूसरा, एक्वाटिन डस्ट बॉक्स
पहले हम प्लेट को एक्वाटिंट डस्ट बॉक्स में डालते हैं, जिससे एक इवन एक्वाटिंट की लेयर बन जाती है। फिर उसे हीट करके उसमें टेक्सचर कीट के होता है, फिर बर्निशर्स यूज होता है, फिर स्कैपर, फिर नीडल यूज होता है, और फिर हम इंक लगा के अपना प्रिंट ले लेते हैं। ठीक है, तो 2300 क्वेश्चन पे आते हैं। 2300 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। देखिए, सिक्स लिम को कहते हैं षडांग। षडांग के ऊपर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने तो स्पेशली एक बुक भी लिखी है। ठीक है, षडांग जो पेंटिंग और चित्रकला में बहुत जरूरी है, तो इसका एक मैंने आपको शॉर्टकट भी बता रखा है, रूप भाला सावरणी। इसमें हमारे छः के छः यानी आ जाएंगे, और देखिए तीन शब्द याद करने, रू से रूप, प से प्रमाण, भा से भाव, ला से लावण्य, सा से सादृश्य और वर्णिका भंग। तो ये छः के छः हो जाएंगे, रूप भाला सावरणी, तीन शब्द याद करने के बाद, जिससे आपको सीक्वेंस का ही पता चल जाएगा और पूरे यानी छः के छः याद हो जाएंगे। तो हमारा पहले यानी आप देख लो, प्रमाण तो आएगा नहीं, पहले रूप आएगा था, रूप के बाद आएगा प्रमाण, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें समय के अनुसार ऑर्डर पे लगाने हैं आर्टिस्टों को, उनकी एज के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मोंटेग्ना। मोंटेग्ना का जो जन्म है वो है 1431 इटली का। ठीक है, इटली का जन्म है इसका। फिर आता है ड्यूरर जो जर्मन है, और इनका जन्म होता है 1471 में। फिर आते हैं फ्रांसिस्को दी गोया, जिनका जन्म 1746 में होता है स्पेन के अंदर। और फिर आते हैं डोमियर, डोमियर का जन्म 1808 में फ्रांस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ है, आपको जल्दी से याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट लेआउट प्लान ऑफ लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। जो लिंगराज टेम्पल है, मंदिर है लिंगराज का भुवनेश्वर के अंदर, उसके यानी जो हमें कुछ आर्किटेक्चरल शब्द हैं उसको हमें करेक्ट लेआउट प्लान के अनुसार लगाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मंदिर बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा जल्दी से क्लियर हो जाएगा किसको क्या कहते हैं। ये हमारा गर्भगृह वाला मंदिर हो गया, फिर ये छोटे छोटे से मंदिर होते हैं एकदम, ये चकोर टाइप के होते हैं, तो ये ऐसे। और फिर ये लास्ट में ऐसे। आप इस मंदिर के उदाहरण से समझ सकते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो ये शिखर है ना, शिखर गर्भगृह का मेन शिखर, ठीक है, इस शिखर को कहते हैं हम रेखा देउल। ठीक है, तो जो रेखा देउल है हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी इन तीनों में से देखना पड़ेगा कौन सा। फिर रेखा देउल के बाद आता है हमारा पीढ़ा देउल। पीढ़ा देउल इन दोनों में से सही है। पीढ़ा देउल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो ये चकोर है ना यहाँ पे, ये चकोर मंदिर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चकोर मंदिर को क्या कहते हैं हम, पीढ़ा देउल। ठीक है, पीढ़ा देउल कहते हैं ये रहा। ठीक है, फिर आता है हमारा नट मंडप। नट मंडप क्या होता है, जो ये वाला होता है इसको हम नट मंडप कहते हैं। नट मंडप के बाद आता फिर यहाँ पे भोग मंडप। नट मंडप के बाद यहाँ पे भोग मंडप, और फिर ऐसे ही ये लाइन से चलते हैं, भोग मंडप, नट मंडप, जगमोहन, रेखा देउल, ऐसे भी लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे यानी जो ये शिखर पे है, शिखर को हम रेखा देउल कहते हैं, इसके अंदर गर्भगृह होता है, फिर साइड में जगमोहन होता है, फिर इसके साथ वाला जो मंदिर होता है, ये लाइन से होंगे बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ वाला मंदिर होता है उसको पीढ़ा देउल कहते हैं। इसमें यानी चकोर आकार का होता है और ऊपर एक पिरामिड होता है, पिरामिड जैसा यानी तिकोना होगा ये। ठीक है, इसको हम पीढ़ा देउल कहेंगे। फिर ये वाला भी पीढ़ा देउल होता है, ये दोनों सेम होते हैं बिल्कुल। फिर आता है हमारा ये नीचे वाला नट मंडप। ठीक है, जहाँ पे ये थोड़ा सा नृत्य के लिए जगह होती है। और फिर यहाँ पे हमारा उसी के बगल में भोग मंडप। ठीक है, तो ये हमारा, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टेंपल। ये थोड़ा सा कलिंग स्टाइल के टेंपल होते हैं। ठीक है,
कलिंग स्टाइल थोड़ा सा, यानी आप दक्षिण के यानी जो द्रविड़ शैली है उससे हल्का सा मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो इसका 25वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। रेखा देउल, पीड़ा देउल, भोग मंडप, नट मंडप, हमारा 26वां क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वेस्टर्न पेंटर, वेस्टर्न पेंटर को समय के अनुसार लगाना। तो सबसे पहले हमारा है गुस्ताव कॉर्बिट। कॉर्बिट का जन्म 1819 में हुआ, फ्रांस का रहने वाला है, तो ये फ्रेंच पेंटर है, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं हेनरी मतीस। हेनरी मतीस का जन्म 1869 में हुआ, ये भी फ्रांस के रहने वाले और फ्रेंच आर्टिस्ट है। फिर आते हैं पॉल क्ली। पॉल क्ली का जन्म 1879 और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। सल्वाडोर दाली जो हमारे स्पेनिश के कलाकार हैं, 1904 में इनका जन्म होता है। और इनका सबसे अच्छा काम मेरे को लगता है वो जो घड़ी वाला होता है, जिसमें घड़ी को ऐसे यानी बैंड करके यानी पिघलाने वाली अवस्था में रख देते हैं टेबल पे। और बहुत सारे इनके सरलिज्म वर्क मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो 1889 और 1904, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2700 क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस टू ऑफ वॉर्म टू यानी कूल टू वॉर्म, हमें ठंडे से गर्म कलर की ओर ले जाना है। तो ठंडे कलर देखना पड़ेगा, ब्लू है, ग्रीन है, वर्मिलियन, तो रेड का स्टेन टोन है ब्लू। तो हमारा सबसे पहले ब्लू आएगा, फिर ब्लू के बाद हमारा आएगा ग्रीन, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लू के बाद ग्रीन आएगा, फिर क्रिम्सन से होता हुआ वर्मिलियन, ये दोनों रेड के टोन है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2800 क्वेश्चन हमसे पूछता है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ राइटिंग। देखिए जो राइटिंग का यानी जो हम लिखित में है हमारे साक्ष्य, वो कहाँ से कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में देखते हैं 2800 क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आएगा हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बहुत पुराना है, जैसे आप हड़प्पा देखोगे उसमें चित्र बने हुए हैं। आप उससे और पहले देखोगे जैसे भीमबेटका, प्री हिस्टोरिक से भी पहले, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक में आपको ये सारे दिखेंगे, जिसमें कैसे हिरन का शिकार करते हुए, तो ये क्या है, पिक्चर बनाकर कुछ दिखाना है ना, पिक्चर द्वारा संदेश देना, क्या होता है पिक्टोग्राफ्स, जिसको हम आजकल के यानी आम भाषा में आइकन भी कहते हैं। पिक्टोग्राफ हो जाएगा तो हमारा पहला सही हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा। फिर पिक्टोग्राफ के बाद आया आइडियोग्राफ, थोड़ा सा आइडिया भी था उसमें। फिर हीरोग्राफ, हीरोग्राफ थोड़ा इजिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा खुरेदा वगैरह है, थोड़ा सा रिलीफ अच्छे से करी गई है, रोमन अल्फाबेट्स आते हैं। तो ये थे हमारे बिल्कुल सीक्वेंस से लगाए, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, नेम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर इन एलिवेशन ऑफ ओडिशन टेंपल। जो उड़ीसा के टेंपल है, मंदिर है, उसको हमें समय के अनुसार लगाना है। बट यहाँ पे भाजाचैत्य और धर्मराजी का स्तूप यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये मंदिर है नहीं। और फिर आईहोल, कर्नाटक सन टेंपल। तो यूजीसी ने इस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट कर रहा है उसको यानी सही माना जा गया है। तो इस क्वेश्चन में तो यानी ऑप्शन ही गलत है, ओडिशन टेंपल सही से दिखाई नहीं, तो ये वाला ऑल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉन्यूमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मॉन्यूमेंट को हमें समय के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले आएगा हमारा हागिया सोफिया। हागिया सोफिया बना था हमारा 537 में, और ये टर्की के अंदर बना। फिर इसके बाद आएगा रीम्स कैथेड्रल। रीम्स कैथेड्रल बना था 1345 में। रीम्स कैथेड्रल जो दोबारा रीबिल्ड हुआ था 1920 में। फिर आता है मेडिसी पैलेस जो 1484 में बना। फिर आता है सेंट पीटर बेसिलिका जो 1626 में बना था, ठीक है। तो ये हमारे सीक्वेंस से लग गए, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है हमारा, असर्शन, ग्राफिक्स इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर दैट इज नॉट टेक्स्ट और साउंड। देखिए जो टेक्स्ट और साउंड नहीं है वो ऑलमोस्ट क्या है, ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हमारा असर्शन तो सही है। रीजन देखते हैं, ग्राफिक कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के बिना ग्राफिक्स प्रोड्यूस की जा सकते हैं ऑलरेडी, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गया, तो इसमें आराम से हम कर सकते हैं।
तो कंप्यूटर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये वाला रीजन तो गलत है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3200 क्वेश्चन है, एसर्शन पूछता है हमसे। मूवेबल टाइप इज अ प्रोसेस टू कट मूव एंड पेस्ट। देखिए यहाँ पे गलती कर देते हैं ये, तो पेस्ट नहीं होता, द टाइप फेस। अगर पेस्ट कर देंगे तो वो मूवेबल ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा असर्शन गलत है। रीजन देखते हैं। मूवेबल टाइप इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइपोग्राफी दैट यूजेस मूवेबल कंपोनेंट टू रिप्रोड्यूस द एलिमेंट। यहाँ पे रीजन सही है, क्योंकि प्रिंटिंग एंड टाइपोग्राफी दैट यूज मूवेबल कंपोनेंट टू रिप्रोड्यूस एलिमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए ही यूज किया जाता था। जैसे मूवेबल टाइप का यूज करके गुटेनबर्ग ने बहुत सारी बाइबल छापी उस समय। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। 3300 क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज रीजन, सेलेक्ट योर आंसर गिवन कोट्स। तो असर्शन है हमारा, इंडियन आर्ट इज एक्सप्रेशन इन टोटैलिटी, यानी जो इंडियन आर्ट है उसमें एक्सप्रेशन हर तरीके से है, तो ये सही है। और रीजन दिया जा रहा है, द प्राणा और लाइफ फोर्स इज एक्सप्रेस विथ इन आर्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमारा जो लाइफ की बात की गई है, जो प्राण, जो आत्मा है, वो सोल, उससे एक्सप्रेस किया जाता है चीज़ों को, आर्ट को, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाए बोथ आर करेक्ट। 3400 क्वेश्चन हमारा सेशन कहता है, रिडोन इज सिम्बॉलिस्ट एज वेल एज इम्प्रेशनिस्ट। बिल्कुल, जो ओल्डियन रिडोन है ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रेंच पेंटर है, और ये सिम्बॉलिस्ट और इम्प्रेशनिस्ट से बिल्कुल संबंध रखते हैं। इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज द यूज द टू डोमिनेटेड आर्ट प्रैक्टिस ऑफ लेट 19th सेंचुरी आर्ट इन हिज वर्क। बिल्कुल उनके यानी काम में डोमिनेटेड दिखता है 19th सेंचुरी की आर्ट, ठीक है। तो हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बोथ आर करेक्ट। हमारा 35वां क्वेश्चन है, असर्शन कहता है, ताजमहल हैज डबल डोम, यानी उसके जो गुंबद है वो दो तरीके के हैं। तो बिल्कुल सही है, एक अंदर एक बाहर है। रीजन दिया जा रहा है, द डोम बींग सुपरफ्लॉस इन आउटर फॉर्म एज तारतर डोम एसेंशियली रिक्वायर्स कॉट डोम इनसाइड। तो ये जो इसका रीजन है वो भी सही है, सुपर फ्लॉज है थोड़ा आउटसाइड से। तो 35वें का हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 36वां क्वेश्चन है, असर्शन कहता है, क्रोचेस थ्योरी आर्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन। बिल्कुल सही, प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम टू आर्टिस्ट, असर्शन सही है। रीजन कहते हैं, क्रोचे लिबरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड आइडियल प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रोचे ने यहाँ पे बात करी गई है आर्ट एक्सप्रेशन और इंट्यूशन की, जो हमें ट्रेडिशन में दिखता है और आइडियाज में दिखता है। तो यहाँ पे इसका रीजन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 37वां क्वेश्चन है हमारा, असर्शन कहता है, अ कंप्यूटर इज अ टूल विच वर्क्स बेस्ट विद डिजाइनर्स हैविंग नॉलेज ऑफ ग्राफिक प्रोसेस। कंप्यूटर जब काम करता है जब डिजाइनर की नॉलेज हो। बिल्कुल सही है, यानी अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे हमारे डिजाइनर माइंड्स में, तो कंप्यूटर उसका यानी मीडियम है बिल्कुल उसे आउटपुट निकालने का। रीजन है, हैंस थिंकिंग बिफोर डिजाइनिंग इज नो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस। देखिए, बिना सोचे समझे कुछ भी बनाते हो तो ना ही देखने वाले को समझ में आता है, ना ही आपको समझ में आता है। तो रीजन तो इसका गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, टेरिट्री कलर्स जो तृतीय कलर होते हैं आर ऑल्सो रेफर्ड टू द एनालोगस कलर इन कलर व्हील। उनको कलर व्हील में एनालोगस कलर कह सकते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं उनको एनालोगस कलर। टर्टरी कलर आर सिचुएटेड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर इन कलर व्हील। बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जैसे आप तीन बॉक्स बनाइए, उसमें आर
मतलब रेड, वाई मतलब येलो और ब्लू मतलब नीला। इन तीनों ये कलर है प्राइमरी कलर, जो यानी किसी के मिलाने से नहीं बनते, ये प्राइमरी कलर है। इन तीनों को मिलाने से हमें सेकेंडरी कलर मिलते हैं, जैसे रेड और येलो को मिलाया तो ऑरेंज, येलो और ब्लू को मिलाया तो ग्रीन, ब्लू और रेड को मिलाया तो वॉयलेट। तो ये हमारे तीनों कौन से कलर है, वी ओ जी वाले, ये हमारे सेकेंडरी कलर। फिर आते हैं हमारे टर्टरी कलर, जो एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी कलर को मिलाने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये टर्टरी कलर हमारे 6 कलर हो जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन असर्शन कहता है, इनिशियली कॉन्स्टेंटाइन बाकुसी वॉज कमीशन टू डिजाइन अ टेम्पल शेप्ड लाइक अ कॉन एट इंदौर, द वर्क वॉज हाउएवर नेवर स्टार्टेड। उसका रीजन दिया जाता है बिकॉज द वर्क वॉज लेटर असाइन टू रघुनाथ फडके। तो जो मंदिर बनाने का जो था ठेका, वो ब्रांकुसी को मिला था, बट ये कौन वाला नहीं था कि उसने डिसाइड नहीं किया था ब्रांकुसी ने कि मेरे को ऐसा मंदिर बनाना है, ठीक है। ब्रांकुसी को बुलाया था इंदौर के राजा ने, यशवंत जो थे उस समय के राजा, यशवंत ने अपने मनिक प्लेस को बनाने के लिए दूर दूर से आर्किटेक्चर और स्कल्प्टर्स को बुलाया था। उसी के बीच ब्रांकुसी भी आया भारत और यहाँ पे इंदौर के थोड़े से झरने वरने देखे, रिसर्च करी, बट उसने बनाया नहीं टेम्पल को, ठीक है। और वो भी ये कौन शेप का तो बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमारा यानी आधा सही है बट आधा गलत है। तो यानी एक तो ये कौन शेप का यानी उसने डिसाइड नहीं किया था, तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा असर्शन। यशवंत सिंह ने बुलाया था ब्रांकुसी को और यानी उसने टेम्पल नहीं बनाया, तो यानी उसका जो काम था बर्ड इन स्पेस वाला काम, जो ब्रॉन्ज में और एक व्हाइट मार्बल में और एक ब्लैक मार्बल में, इन तीनों को खरीद लिया था किसने, यशवंत सिंह ने, ठीक है। तो और इसका रीजन देखते हैं, रघुनाथ फाड़के और रघुनाथ को दे दिया गया था, तो ये गलत है। तो हमारे दोनों ही गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर नॉट करेक्ट। 40वां क्वेश्चन है असर्शन, द एक्रोपोलिस इन एथेंस वॉज वंस डेकोरेटेड विद पॉलीक्रोम मेड स्कल्पचर, द स्कल्पचर हाउएवर अपीयर विथ यानी वाइट बिकॉज, रीजन दिया जा रहा है, द स्कल्पचर आर नो लॉन्गर इन सिचुएटेड एज दे वर रिमूव टू अ म्यूजियम। तो पहले असर्शन की बात कर लेते हैं। असर्शन में बोला गया जो एक्रोपोलिस का जो वर्क है, जो स्कल्पचर है, वो पॉलीक्रोम में डिजाइन किया गया। पॉलीक्रोम क्या होता है, एक वुड का स्कल्पचर होता है, वुड में यानी एक सिंगल वुड का ब्लॉक यूज नहीं किया जाता इसमें, यानी बहुत सारे ब्लॉक यानी अंदर से भी खोखले होते हैं और यानी मिलाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ब्लॉक बना सकते हैं, है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनको फिर जोड़ देंगे वुड के ब्लॉक को, तो ऐसे बनते हैं ये पॉलीक्रोम यानी मेड स्कल्पचर्स। और तो इसमें है डेकोरेटिव विद पॉलीक्रोम स्कल्पचर वाइट बिकॉज, तो वाइट तो दिखता ही है, ठीक है। इसका रीजन दे रहा है कि द स्कल्पचर आर नो लॉन्गर इन सिचू एज दे वर रिमूव टू अ म्यूजियम, यानी म्यूजियम से इधर उधर ले जाने में ये वाइट पड़ गया, तो ये रीजन तो गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, कलाकार को उनके मीडियम से मिलाना है। तो पॉल लिंगरेन का आपने देखा होगा, एचिंग में काम करते हैं पॉल लिंगरेन, और इनका जन्म 1923 में हुआ था, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, लॉस एंजलिस के, पॉल लिंगरेन, ठीक है। सोमनाथ होरे जो पल्प पेपर पे काम करते हैं, पेपर पल्प कास्टिंग, जिसमें इन्होंने एक वुंड सीरीज भी बनाया, और इनका जन्म 1921 में बांग्लादेश में हुआ। कैरोल समर, इनका जन्म 1925 में हुआ, कैरोल समर का 1925, और ये वुड में काम करते हैं, ठीक है। इनके वुड के काफ़ी सारे काम फेमस भी हैं। फिर आते हैं जगमोहन चोपड़ा जो पेपर की प्लेट पर काम करते हैं, और इनका जन्म 1935 में हुआ पाकिस्तान में। तो ये था हमारा
पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, दूसरा चौथा, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं ओलियोग्राफ के प्रिंटिंग के लिए। ओलियोग्राफ प्रिंटिंग क्या होता है, जो अलग अलग यानी क्रोमोलिथोग्राफ, ठीक है, तो एक ही चीज होती है क्रोमोलिथोग्राफ और ओलियोग्राफ, ठीक है। ओलियोग्राफ के प्रिंट निकालते थे जब इंडिया में इन्होंने अपनी प्रेस इस्टेब्लिश करी थी। अनुपम सूद जाने जाते हैं एक्वा टिंट के लिए, कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी के लिए, सनतकर वुड इंटैग्लियो के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग। संसार चंद जो राजा थे कहाँ के, कांगड़ा के, बहुत लोकप्रिय राजा थे और दूर दूर से कलाकार आके इनकी शरण में काम किया और आर्ट को बढ़ावा मिला। जहांगीर ने भी अपने मुगल समय को आर्ट के लिए बहुत अच्छा बनाया और इसके जो कलाकार थे मंसूर, जिससे इन्होंने बहुत सारे प्रकृति और फूल वूल के चित्र बनाए और कश्मीर भेज के भी काफी सारे प्राकृतिक के चित्र बनाए। सावंत सिंह वो राजा थे जिन्होंने बनी ठनी की कविता भी बनाई और इसकी पेंटिंग किसके द्वारा बनवाई, निहाल चंद के द्वारा। अकबर का बासवन, अकबर बसावन, अकबर के समय का आर्टिस्ट है बसावन। क्वेश्चन नंबर 44, मैच द फॉलोइंग। पिछवाई क्या होता है, पिछवाई होता है नाथद्वार से रिलेटेड, पिछवाई होता है वो पर्दों की कला यानी पर्दों पर की गई पेंटिंग्स वगैरह जो मंदिर में यूज किए जाते थे, ठीक है। कलमकारी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और ये यहाँ की रीजनल कलमकारी है। और फड चित्र भी भीलवाड़ा का यानी बहुत प्रसिद्ध चित्र स्टाइल है, शैली है। पोट्री यानी ब्लू पोट्री तो जयपुर की बहुत फेमस है। तो ए का हमारा चौथा, बी का हमारा तीसरा, चौथा तीसरा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4500 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हेनरी मूरे, हेनरी मूरे का काम है द फैमिली। तो इस फैमिली वाले स्कल्पचर में उसने यानी फैमिली बनाई है। और एरिस्टाइड मालोल का काम है वीनस, ठीक है। अल्बर्टो जियोकोमोती का काम है द फॉरेस्ट और एलेक्जेंडर कार्डर का काम है स्टेबिलिटी। तो ये हमारा हो गया ए का चौथा, फिर एक दो तीन, एक का चौथा, एक दो तीन, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हेनरी मूरे का जन्म यूके में हुआ 1898 में और ये जो फैमिली बनाई है उन्होंने ब्रॉन्ज में बनाई है। मलोले हमारे फ्रांस के जो 1861 में जन्म होता है इनका, और इनका जो काम है वीनस ये ब्रॉन्ज में बनी हुई है। अल्बर्टो जियोकोमोती एक स्विस आर्टिस्ट है, 1901 में इनका जन्म हुआ और ये स्विस आर्टिस्ट है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और इनका जो द फॉरेस्ट है ये वाला, वो इसमें इन्होंने प्लास्टर का भी यूज़ किया है, ब्रॉन्ज का भी यूज़ किया है और वुड का भी यूज़ किया है, तो आप देखना। एलेक्जेंडर कार्डर जो अमेरिकन आर्टिस्ट है और इनका जन्म भी 1898 में हुआ और इनका जो काम है स्टेबिलिटी। 4600 क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर है हमारे तंजौर में, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। शोर मंदिर है हमारा महाबलीपुरम, ये भी हमारा तमिलनाडु के अंदर है। चांद मीनार है हमारा दौलताबाग में, ये है महाराष्ट्र के अंदर। टॉम्ब ऑफ हशिंगास ये मकबरा है हमारा मांडू मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो हमारा ए का दूसरा, बी का तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4700 क्वेश्चन है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। स्टॉप मोशन है हमारा एनिमेशन का पार्ट, मोन्टाज होता है एडिटिंग स्किल तो विजुअल एडिटिंग, मोशन ब्लर हमारा कंप्यूटर का टूल है, फोटोशॉप वगैरह आप यूज करते हो। लूमियर ब्रदर जिन्होंने सिनेमा में काम किया, ये हो गया हमारा सिनेमा। तो हमारा ए का दूसरा, बी का चौथा, दूसरा और चौथा, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
48 क्वेश्चन, मैच द क्रोनोलॉजिकल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो बताना है हमें। तो ऑडियो आ गया था हमारा अर्ली 20s में। प्रिंट तो गुटेनबर्ग लेके आया 1440 करीब। ऑडियो विजुअल आया हमारा जो मॉडर्न टाइम में। नॉन वर्बल प्रिमिटिव टाइम, ठीक है। तो इसके अनुसार ए का चौथा, बी का दूसरा, चौथा तीसरा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग, गदवा स्कल्पचर, बेल मेटल, भैरवा, झारा स्कल्पचर। तो ये देखिए जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो एरिया है, तो इसमें ये गदवा स्कल्पचर और ऐसे यानी जो ट्राइब्स वगैरह के इनके यानी मेटल पे काम करते थे, खासकर ब्रॉन्ज वगैरह के, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है और गदवा स्कल्पचर जो रायगढ़ का यानी मशहूर माना जाता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा बेल मेटल जो बस्तर का है, और बस्तर से ही मीरा मुखर्जी ने सीखा था यहाँ पे बेल मेटल वगैरह कास्टिंग वगैरह लॉस्ट वैक्स। भैरवा स्कल्पचर है हमारा बैतूल का। फिर आता है झारा स्कल्पचर जो हमारा टीकमगढ़ का है। ए का चौथा, बी का तीसरा, चौथा तीसरा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर टू का लास्ट क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग, जो हिंडोला महल है वो कहाँ पर, मांडू में स्थित है। और हिंडोला महल का मतलब होता है लार्ज मीटिंग हॉल, सभागृह भी कह सकते हो आप, ये एमपी के अंदर है। गोल गुंबद जो बीजापुर के अंदर है और कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। विजय स्तंभ चित्तौड़गंज में स्थित है। और सरखेज हमारा अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। तो हमारा ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और हिंडोला महल 1425 में बना, और गोल गुंबद 1656 में बना, विजय स्तंभ 1448 में बना, सरखेज बना 1451 में, ठीक है। तो डेट्स भी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारा पेपर टू कंप्लीट हो गया, पेपर थ्री भी जरूर देखिएगा। वेल डन गाइज, आपने यहाँ पे पेपर टू के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर थ्री की वीडियो भी जरूर देखें।